हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की V8। इट मींस हमारे पास इस चैप्टर का पार्ट कौन सा है, ये P8। हमारे पास ये पार्ट 8 वीडियो है, ये इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद वन मोर वीडियो आएगी इस चैप्टर की, आफ्टर देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले, वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है विद एग्जांपल, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है विद एग्जांपल, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें एक टॉपिक और कवर करेंगे हम, जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन भी इसी का एक छोटा सा पार्ट है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आए, और हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना जरूर कर, लाइक करें, थैंक यू। सो जैसे कि हमने आपको बताया, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो डिस्कस करेंगे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी दो मेन आइडेंटिफिकेशन होती हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा वाला पार्ट उसका रिडक्शन है। द फर्स्ट पॉइंट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मींस किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन की एक और आइडेंटिफिकेशन, एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन की दो प्रॉपर्टी है, कौन सी, अगर ऑक्सीजन का ऐड होना, अगर किसी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जैसे CU में ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो क्या बन जाएगा, CuO कॉपर ऑक्साइड, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर किसी में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आफ्टर देन आपको ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इन दोनों की डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल भी लूंगा आपके सामने, एग्जांपल्स को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपके साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट और क्या, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है, और इनकी भी सेम ऐसे ही दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे ही मैंने आपको बताया, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, बिल्कुल इसका उल्टा, मींस रेसिप्रोकल। एंड द सेकंड पॉइंट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। सेम, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी भी एक सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन ही कहलाएगा। आई होप कि दोनों ही प्रॉपर्टी और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपको क्लियर हुई हो, नहीं भी क्लियर है आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तब आप उन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना, और आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के थ्रू। तो बिफोर गोइंग फर्दर, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एग्जांपल में मैं ये पॉइंट भी बताता हुआ चलूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, इन्हें भी मैं सेम उसकी तरह ही दो प्रॉपर्टी के थ्रू समझा देता हूं, आप उस प्रॉपर्टी को लर्न भी कर लेना, अच्छे से समझ भी लेना, और हम एग्जांपल के थ्रू उस पॉइंट को क्लियर कर भी लेंगे। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन
इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस वो सब्सटेंस जो हमें क्या करें ऑक्सीजन दे, किसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्या कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, सेम उसी की तरह है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन, सेम वर्ड्स, इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन सेम वही दोनों पॉइंट जैसे मैंने वहां पर बताए थे कि वो सब्सटेंस पहले जो ऑक्सीजन को हमारे पास क्या करेंगे ऑक्सीजन देंगे, किसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, क्या कहलाएंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या है, विच रिमूव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे किसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, वो क्या कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। मैं इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की भी मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता देता हूं, जैसे ये बताई वो भी आपके लिए इजी रहेंगे लर्न करने के लिए। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें क्या देंगे हाइड्रोजन देंगे किसके लिए रिडक्शन के लिए, वो क्या कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। इसी का सेकंड पॉइंट, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों ही पॉइंट सेम है, एक जगह रेसिप्रोकल है। क्या यहां पर ये वाला पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, वो सब्सटेंसेस जो मुझे हाइड्रोजन देंगे किसके लिए रिडक्शन के लिए, वो क्या कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। और यहां पर ये क्या है, द सब्सटेंसेस विच रिमूव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे किसके लिए रिडक्शन के लिए, वो भी क्या कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। आपको एक बार इसमें कंफ्यूजन बेशक हो रहा होगा कि आपको ये क्या है ये क्या है। आप अगर आप दो डेफिनेशन ये दो पीछे वाली चार है, आप किसी दो का अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, देन बाकी जो दो है उसकी रेसिप्रोकल है। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है। पहले आप इसे 1 से 2 times रीड करिएगा देन राइट करिएगा। आई होप कि आपको 50% समझ में आ जाएगा और 50% में आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। बिफोर गोइंग अहेड वी शुड डिस्कस अ नोट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, हमें एक छोटा सा नोट इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या होता है। मैं आपको बताऊं द कॉम्बिनेशन या फिर डायरेक्टली द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही मैं लिख देता हूं, द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। What? The reduction and oxidation, या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन को या दोनों को क्या कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूछा जाता है वॉट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो आप बता देंगे वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उन्हें क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हियर आई कैन एक्सप्लेन वन मोर थिंग अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, हियर रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्स
स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्लियर? यस, इजी था. रिडॉक्स वाले पार्ट में सिर्फ रेड वाला पार्ट क्या है, रिडक्शन को बताता है, और ऑक्स वाला पार्ट क्या बताता है, ऑक्सीडेशन को बताता है. इट मींस दोनों को कंबाइन होने के बाद बनता है रिडक्शन रिएक्शन. इट मींस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रेड स्टैंड फॉर किसके लिए, रिडक्शन के लिए, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन के लिए. दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कराएगा. आपको बता दी कैसा पार्ट, ये कैसा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब हमने ये नोट अच्छे से पढ़ा, समझ में आया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिवाइज होता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं. मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन. अब उनके एग्जांपल्स के थ्रू उन पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं कि ये होते क्या है. जब तक एग्जांपल नहीं होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और आपको भी एग्जाम में कुछ एग्जांपल्स मेंशन करना बहुत जरूरी है. तो देखते हैं कि मेरे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के लिए एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं. तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू. तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, जिसके थ्रू हमारे दोनों टॉपिक कैसे हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो देखते हैं वो एग्जांपल क्या है. CuO + H2 हीट करने पर हमारे पास क्या बनेगा, CuO कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा H2O + Cu. इस रिएक्शन में सबको अच्छे से, सब पार्ट्स को अच्छे से क्लियर करते हैं. और हम यहाँ चार कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, और इनके एजेंट्स को भी समझेंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. जो मैंने चारों पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, फर्स्ट कंपाउंड में देखते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड को क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर ऑक्साइड Cu में कन्वर्ट हुआ, यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखवाया था मैंने आपको, आप डेफिनेशन रिमाइंड कीजिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करने वाला क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है मींस रिडक्शन होगा. ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था कि ऑक्सीजन को जो भी रिमूव करेगा वो क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा. फर्स्ट यहां पे एक ट्रिक है, क्या ये रिडक्शन है, ऑब्वियस है, जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट है वो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. और एक रिएक्शन में ये दोनों ही पार्ट जरूर होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन. तो ये मेरे पास रिडक्शन हो गया, तो ये आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग या ऑब्वियसली या फिर फाइनली क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा. लेकिन यहां पर चेक भी कर लेते हैं ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टियां फॉलो हो भी रही है या नहीं. तो यहां पर मैंने देखा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया. यहां पर सिर्फ H2 था और यहां पर O ऐड हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, डेफिनेशन ऑक्सीडेशन. कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. ये कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है. यहां पर मैं दो पॉइंट तो हमारे क्लियर हुए कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, ये वाला पार्ट रिडक्शन वाला है और ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन वाला है. लेकिन यहां पर मैं दो पॉइंट और क्लियर कर दूं जो हमने बाद में डिस्कस किए थे. वो कौन कौन से थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, पहले मैं उनकी ट्रिक बताऊंगा कि वो क्या होते हैं, आफ्टर देन उनके जो प्रोसेस है उसे हम कंप्लीट करेंगे. ये रिडक्शन रिएक्शन है, जो रिडक्शन रिएक्शन वाला पार्ट होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और जो मेरे पास ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ये मेरी ट्रिक थी, ट्रिक वाला पार्ट क्लियर, ऑब्वियस. अब इसे समझते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा हुआ, रिडक्शन वाला पार्ट CuO में कन्वर्ट हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ. यहां पर इसने क्या किया, रिमूव करा किसे, ऑक्सीजन को, और किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन कॉपर में कन्वर्ट हुआ. इसने ऑक्सीजन को रिमूव करा किस चीज के लिए, रिडक्शन के लिए. तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. क्यों, CuO में ऑक्सीजन था, इसे हाइड्रोजन ने अट्रैक्ट किया ऑक्सीजन को, तो ये किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए. इसने ऐसा प्रोसेस किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया कि मैं ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा हूं और आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कर क्या बना लीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लीजिएगा. तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. यहां पर हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन में, यानी कि विच गिव्स, इसके हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में O आकर एड हो गया. अब हमने बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस, क्या हाइड्रोजन हमें क्या दे रहा है, हमें ये, इसने हमें ऑक्सीजन दिया, विच गिव्स ऑक्सीजन. तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. तो रिड्यूसिंग एजेंट
और ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों है। और ट्रिक क्या है इनकी, जो रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप कि आपको ट्रिक और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी बेस पर, एक और न्यूमेरिकल लेंगे, एक और रिएक्शन लेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट एक और एग्जांपल में अच्छे से उसे क्लियर कर लीजिए, देखते हो एग्जांपल कौन सा है। तो आइए अब वन मोर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू। अगर आपके लास्ट एग्जांपल में कोई डाउट है या आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो वो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं, रिएक्शन लेते हैं कोई भी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, क्या प्रोसेस बनने वाला है। एक तो हमारे पास सल्फर बनेगा और 2HCl बनेगा। इसमें देखते हैं कौन सा वाला ऑक्सीडेशन का पार्ट है और कौन सा वाला रिडक्शन का पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं H2S, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, सल्फर में। यहाँ पर क्या प्रोसेस है एक बार अच्छे सुन लीजिएगा, जहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वो अच्छा है, बेहतर है। जिनके नहीं समझ में आया वो यहाँ पर क्लियर करिए। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से सिर्फ S में कन्वर्ट हुआ, इसलिए इट मींस यहाँ से क्या खत्म हो गया, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस इसने हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर, यस। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन नहीं था और हाइड्रोजन आकर अब ऐड हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अदरवाइज आप एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते, सेकंड वाला मैंने ट्रिक बताई दी थी, अगर फर्स्ट ऑक्सीडेशन है तो सेकंड क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए रेयर केस वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एग्जाम में कोई रिएक्शन मिली है और आपको सिर्फ उसमें ऑक्सीडेशन मिले या फिर आपको टाइम कम मिले तो एक आइडेंटिफाई करें ऑक्सीडेशन, सेकंड वाले को रिडक्शन लिख दें, अदरवाइज आप शार्पली दोनों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, क्लियर हो गया, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा समझिए अच्छे से, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्लोरीन ने किसे रिमूव करवाया, हाइड्रोजन को, किसके लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया हाइड्रोजन सल्फाइड से और क्या बनाया, HCl बनाया, और ये क्या बनाया उन्हें, ये क्या करवाया, रिमूव करवाया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाया मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस पॉइंट में H2S ने अपने पास से S को रिमूव किया, H को क्या करा, रिमूव करा, किसके लिए, सल्फर बनाने के लिए, सल्फर मेरे पास बना, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हुआ, तो इसने क्या करा, इसने सल्फर ने हाइड्रोजन सल्फाइड में से H को रिमूव कर दिया, किसके लिए, H दिया है इसे Cl को दिया है, लेकिन यहां से रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ सल्फर अकेला बचा, तो इसने रिमूव कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस कर चुका है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ट्रिक मेरी वाली काम आने वाली है। जो रिडक्शन है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने रिड्यूस करा है और इसने ऑक्सीडेशन के लिए अपना क्या, हाइड्रोजन दिया है, किसने दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड ने, किसे, Cl को, उसने फिर HCl बनाया है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ZnO प्लस C रिएक्शन करेंगे, क्या होगा, Zn नॉर्मल और CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ और कहां पर रिडक्शन हुआ। ZnO किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn में। CU किसमें कन्वर्ट हो गया, CuO में। इसमें देखते हैं कहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ और कहां पर रिडक्शन। कार्बन के पास ऑक्सीजन आकर ऐड हुआ है, यहां पर कार्बन अकेला था, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा मेरे पास, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ZnO था जिंक ऑक्साइड में, Zn बचा, O रिमूव हो गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी होगी पहले। अब सेम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन है कैसे, यहां पर और कार्बन ने इससे ZnO से
रिमूव करवाया क्या, ओ क्या बनाने के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। तो यहां से इसने ऑक्सीजन रिमूव करवाया इससे ZNO से, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट, सेम पॉइंट यहां पर ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है, यहां पर ZNO ने O को रिमूव करा किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। आई होप कि आपको ये कभी ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे एग्जांपल्स के थ्रू। देखते हैं एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़े से हैवी लेवल के, तब आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं वो एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो ये एक और एग्जांपल चेक करते हैं, एक और एग्जांपल्स के बेस पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया मैंने अभी दो तीन इजी एग्जांपल्स लिए, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इजी एग्जांपल्स आ जाए, तो थोड़ा सा हम टफेस्ट एग्जांपल लेके देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। आपको डिफरेंट टाइप की भी रिएक्शन वहां पर मिल सकती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। तो एक और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं, MnO2 की रिएक्शन कराते हैं HCl से, क्या बनेगा, MnCl2 बनता है और हमारे पास H2O बनता है और Cl2 बनता है। देखते हैं यहां पर क्या क्या हुआ, पहले बैलेंस कर लेते हैं, Cl2O2 4 है, 4 Cl करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर H कितना हुआ 4, यहां पर 2 है, 2 2 4, रिएक्शन कंप्लीट है। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा वाला ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, कौन सा वाला रिडक्शन का प्रोसेस है। तो देखते हैं इजीली MnO2 किस में कन्वर्ट हुआ, MnCl2 में कन्वर्ट हुआ, HCl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में कन्वर्ट हुआ। अब देखते हैं किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताएगा। MnO2 के पास ऑक्सीजन था, इनने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, MnCl2 बना लिया, यही से कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करने वाला क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। यहां पर HCl में हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इसने, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हुआ Cl2 में, तो इसने रिमूव करा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन को ऐड करने वाले और हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। दोनों ही पॉइंट क्लियर, यस क्लियर है। अब इसके बाद वन ट्रिक से भी याद रखते हैं आप। अब इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। MnO2 किसमें कन्वर्ट हुआ, MnCl2 ने, यहां पर Cl ने O को रिमूव करवाया किससे, MnO2 से, मैग्नीज ऑक्साइड से, तो इसने रिमूव करवाया किसने, Cl ने, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग किसके लिए, उसने ऑक्सीडेशन के लिए कराया, ये क्या कहलाएगा मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसने Cl ने ऑक्सीजन को रिमूव करवाया MnO2 से ऑक्सीजन को, किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और ये वाला पार्ट क्या होगा, हमें ट्रिक से पता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन क्यों होगा, HCl ने, HCl के पास हमारे पास HBO और Cl, ये Cl में कन्वर्ट हुआ, विच गिव्स हाइड्रोजन, ये भी देख लो इसमें हाइड्रोजन दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट इसे भी, वरना इसने ऑक्सीजन को रिमूव करवाया, ये वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए था, लेकिन यहां पर इसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और Cl में कन्वर्ट हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसके लिए, रिडक्शन के लिए, तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल ऐसा होगा जैसे इसमें तीन पार्ट थे, ये टू हमारे पास रिएक्टेंट टू थे, लेकिन ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे H2O को ध्यान रखिएगा, कभी आप सोचो सर ने इसे और इसे देखा है, H2O को क्यों नहीं देखा, Cl था, Cl मेन था जिसने रिएक्शन किए, लेकिन ये हमारे पास कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ, H2O में क्या क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है, सॉल्ट और बेस दोनों, इसलिए हम H2O को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, बाकी अपने पास जो भी है उसे हम उसमें हम चेक करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट है और कौन सा रिडक्शन वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो डिफरेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, वो एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होता है, इसलिए मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट एग्जांपल है। आई होप कि आपको इसकी बात सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ भी अगर डाउट है एग्जांपल्स को 2 से 3 टाइम रिवाइज कीजिएगा और डेफिनेशन को लर्न कीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5th एग्जांपल मैंने इसलिए चूज किया है, ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है, इसमें कुछ डिफरेंट होता है, समझिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। CU की रिएक्शन अगर हम O2 से कराते हैं तो हमारे पास बनेगा CuO, बैलेंस कर लेते हैं, O हमारे पास डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, CuU पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो CuB भी इक्वल हो गया कॉपर, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन। अब देखते हैं यहां पर कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सा रिडक्शन हुआ। रिएक्टेंट तो हमारे पास 2 है लेकिन प्रोडक्ट 1 ही है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को चूज किया है। एग्जाम में काफी रिपीट होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला ऑक्सीडेशन है और कौन सा वाला रिडक्शन है। अगर ऐसा केस आपके सामने आता है तो आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए दोनों के लिए ही यही होगा,
लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से में ऑक्सीडेशन और कौन से में रिडक्शन है। पहला आप यहां देखिए, एक पॉइंट क्लियर करते हैं, सेकंड पॉइंट अपना आप क्लियर हो जाएगा। ट्रिक भी याद रखिएगा, कोपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, इट मींस कोपर गेट ऑक्सीडाइज, कोपर ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है इसमें, तो लिख देते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो क्या कहलाएगा मेरे पास, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। बिना ज्यादा परेशान हुए ट्रिक याद रखना इस एग्जाम में, ये ऑक्सीडेशन है तो ये रिडक्शन होगा, लेकिन रिडक्शन का मीनिंग क्या है, रीजन क्या है, रीजन जरूर सुन लीजिएगा। ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ किसमें, CuO में, यानी कि इसके पास क्या आया, Cu कॉपर आया, ऐड हो गया क्या इसमें, मेटल, कॉपर मेटल है, हमारे O में मेटल ऐड हुआ। तो मैं आपको यहां लिख देता हूं ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना, एडिशन ऑफ मेटल क्या कहलाता है, हमेशा रिडक्शन कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट नया था, नोट में भी अच्छे से लर्न रखना, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा रिपीट होती है। मेटल का एडिशन भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, सेम इसके दोनों पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कॉन्सेप्ट सेम, वही थ्योरी, किसने किसे ऐड किया और किसने किसे रिमूव किया, सेम ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। विच गिव्स ऑक्सीजन, जिसने हमें ऑक्सीजन दिया है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, इसने दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर, इसने ऑक्सीजन दिया है हमें इसको, कॉपर को ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो गया उसका, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आई होप कि आपको सभी एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा आपके लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी क्वेरीज का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।